तो गाइस अगर आप अपने अटेंडेंस के सर्वर को अवेकन एसएमपी टाइप का हेट स्टील एसएमपी बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस अटेंडेंस के सर्वर को हेट स्टील जैसा एकदम परफेक्ट अवेकन एसएमपी कैसे बना सकते हो। तो बस इसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं बनाते रहता हूं। तो चलिए टाइम पास ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अटेंडेंस के सर्वर पे आना है, और उसके बाद जो आपका सर्वर का सॉफ्टवेयर है उसको या पेपर एमसी में आपको चेंज कर लेना है, और वर्जन जो भी आप लेटेस्ट यूज कर सकते हो, बट फिलहाल अभी आप 1.20.1 तक करना, क्योंकि 20.2 अभी आया और उसका लेटेस्ट अपडेट नहीं आया प्लगइन पे। और वर्जन और सॉफ्टवेयर चेंज करने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है, और ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप टी लॉन्चर वगैरह यूज करते हो कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, तो आप उसके लिए यहाँ पे क्रैक्ड को ऑन कर देना, और जो आप नीचे जाओगे तो इन्वायरमेंट है इसको भी आप जावा 18 कर देना, जिससे आपका सर्वर थोड़ा लैग कम करेगा। ओके, और स्लॉट आप अपने हिसाब से कर लेना। बस इतना करने के बाद आपको प्लगइन्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे को सर्च करना है RISEN Ryzen SMP, इतना ही लिखे सर्च कर दो RISEN Ryzen SMP, लिखोगे ना तो आपको ये प्लगइन दिखेगा, एक ही प्लगइन आएगा जिसका नाम है Ryzen SMP प्लगइन। इस पे आपको क्लिक करना है, और ये देखो यहाँ पे लिखा है फैन मेड रिक्रिएशन ऑफ अवेकन SMP प्लगइन, एक फैन ने रिक्रिएट किया है अवेकन SMP का प्लगइन, तो सेम टू सेम वैसा ही होने वाला है। ठीक, तो बस इसका जो लेटेस्ट वर्जन आपको दिखेगा इसको क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है Ryzen SMP प्लगइन को। ओके, और जब ये इंस्टॉल हो जाए बस कुछ भी नहीं करना, आपको सर्वर पे जाना है और सर्वर को रिस्टार्ट कर देना है। तो फटाफट सर्वर को रिस्टार्ट होने देते हैं, और जब सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा फिर आपको गेम ज्वाइन करके दिखाते हैं कि हमारा अवेकन एसएमपी कैसे बना है, और इसको कैसे यूज करना है, और कैसे आप इसको खेल के इंजॉय कर सकते हो। तो लेट्स गो, बट प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे मस्त मस्त वीडियो मैं लाते रहता हूं। और जब आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट अपने गेम के अंदर जाना है और अपने सर्वर को ज्वाइन करना है। तो हमने ये किया रिफ्रेश, और ये हमारा संजीव गेमिंग फन है जिसको हमने ज्वाइन कर लिया। आगे मैं पॉकेट से भी ज्वाइन कर लेता हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। ओके, तो आप देखो गाइस मैं सर्वर में आ चुका हूँ और मैंने पॉकेट से भी ज्वाइन कर लिया है। अब आप सर्वर में अगर किसी भी बंदे को ऐसे मारते हो बूम बूम बूम, और वो जैसे बंदा मरेगा तो उसका हेड आपके इन्वेंट्री में आ जाएगा। ये देखो उसका हेड आ जाएगा और वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अब स्पेक्टेटर मोड में चला गया। चलो मैं पॉकेट से भी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये मैं पॉकेट एडिशन से आ चुका हूँ, और मैं स्पेक्टेटर मोड में चला चुका हूँ। जो भी बंदे मरेंगे वो डायरेक्ट स्पेक्टेटर मोड में चल जाएंगे, वो यहाँ पे दिखेंगे नहीं आपको जब तक कि मैं उसको रिवाइव ना करूँ। इसका ये जो हेड है वो हेड लगा के, जैसे कि मेरे को यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, पर मैं समझ लो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिवाइव करना चाहता हूँ, तो उसका हेड लूंगा और हेड को यहाँ लगाऊंगा। जैसे हेड को लगाऊंगा तो वो बंदा दोबारा रिवाइव हो जाएगा, और जैसे आप लोग पॉकेट में भी देख पा रहे हो ये मेरे यहाँ आ चुका हूँ और मैं इजिली रिवाइव हो चुका हूँ। ठीक, बट अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे मारता हूँ, जैसे कि समझ लो ये दोबारा से बूम बम बूम बम बूम बम, एक मिनट, दोबारा से मैं मारा और दोबारा से वो मर गया, और मरते वो देखो स्पेक्टेटर मोड में चला गया है और मैं उसका हेड मेरे पास आ चुका है। तो अगर मैं जब तक उसको रिवाइव ना करूं तब तक वो स्पेक्टेटर मोड में ही रहेगा, और वो मैं हेड लगाऊंगा तभी रिवाइव हो पाएगा। ओके, बट अब समझ लो आप बहुत सारे बंदे खेलो, आपका एक टीम है और ये आपका दोस्त है, और एक एनिमी, दो एनिमी के टीम है, और आपके एनिमी वाले ने आपके इस दोस्त को ऐसे मार दिया। ठीक, समझ लो ये उसको ऐसे मार दिया, और उसका जो हेड है वो आपके एनिमी के पास है, वो चाहेगा तो ही आपका फ्रेंड रिवाइव हो पाएगा। तो आप ऐसे में अपने फ्रेंड को खुद कैसे रिवाइव कर सकते हो, इसका भी एक ट्रिक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा महंगे चीज चाहिए, जैसे कि मैं क्रिएटिव में होकर दिखाता हूँ, ये रहा क्रिएटिव। जैसे कि आपको चाहिए यहाँ पे डायमंड ब्लॉक, आपको तो थोड़ा डायमंड ब्लॉक चाहिए, इतने नहीं चाहिए, थोड़े मोड़े चाहिए, मैं दिखाऊंगा। ठीक, और थोड़े आपको चाहिए नेदराइट इंगट, थोड़ा सा आपको नेदराइट इंगट चाहिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा। ठीक, और आपको एक तो कम से कम टोटेम चाहिए, टोटेम ऑफ अंडाइंग। ओके, ये आपको कम से कम एक चाहिए, अगर आपको दो तीन हेड बनाना है तो आप दो तीन जितना चाहिए उतना आपको चाहिए। एक हेड बनाने के लिए आपको एक टोटेम ऑफ अंडाइंग चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको एक और चीज चाहिए, एन व्हील। तो इतना चीज होगा तो आप खुद से हेड बना के अपने फ्रेंड को रिवाइव कर सकते हो। तो समझ लो आपका फ्रेंड मर चुका है, आपको उसको रिवाइव करना है, आपके पास उसका हेड है ही नहीं, तो आपको क्राफ्टिंग टेबल लेना है, उसमें आपको ब्लॉक डायमंड को लेना है, और डायमंड ब्लॉक को आपको कुछ ऐसे लगा देना है। ओके, और चार टू डायमंड ब्लॉक ऐसे लगाने के बाद चार टू आपको इंगट भी चाहिए, नेदराइट इंगट, और उसको ऐसे लगा देना है। उसके बाद आपको बस एक टोटेम ऑफ अंडाइंग चाहिए, इसको बीच में डाल देना है। जैसे ये डालोगे आपका एक हेड बन जाएगा, प्लेयर हेड। तो ये ले लिए, तो ये देखो आपका जो एनिमी मारा था उसके ऊपर आपके फ्रेंड का नाम था, पर इस पे नाम नहीं है, इस पे लिखा है प्लेयर हेड। तो इसको आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड का नाम देने के लिए आपको एनविल लेना है, और एनविल के अंदर आपको हेड डाल देना है, और उसके बाद अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक, आपके फ्रेंड का नाम है .SanjeevGaming339। ये अपने फ्रेंड का नाम लिख के आपको इंटीजर हेड को ले लेना है। तो आपका फ्रेंड ये जो हेड बनेगा ये भी आपके फ्रेंड का नाम का बन गया। अब आप इस हेड को भी यहाँ पे
लगाओगे तो आपका फ्रेंड रिवाइव हो जाएगा, जबकि आपके फ्रेंड का हेड जो था वो एनिमी के पास था। तो आपने खुद से हेड बनाया अपने फ्रेंड के लिए और उसको रिवाइव कर लिया। बट हेड बनाने के लिए आपको 4 नेदरराइट इंगट चाहिए, 4 डायमंड ब्लॉक चाहिए और 1 टोटेम ऑफ अनडाइंग चाहिए। तो आप एक खुद का हेड बनाकर उसको रिवाइव भी कर सकते हो, बट अगर उसको कोई मार देता है दोबारा से तो वो फिर से मर जाएगा और उसका हेड फिर उसके पास चला जाएगा। जैसे कि 2 हेड हो चुका है यहाँ पे, और अगर आपको दोबारा उसको खुद रिवाइव करना है तो आपको दोबारा से हेड बनाना पड़ेगा, जो कि काफी महंगा रेसिपी है। तो वीकेंड एसएमपी बनाना बस इतना इजी है, बस आपको प्लगइन डालना है और जाके बंदे को मारो तो आपका वीकेंड एसएमपी बन चुका है। हेड बनाने का भी रेसिपी मैंने बता दिया है, तो अब आप अपने वीकेंड एसएमपी को एंजॉय कर सकते हो। बट नो, आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोग भाई मेरे को हाई पिक्सल में हेड रिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो उसमें अगर आप ये सेम टू सेम करोगे तो सब सही चलेगा। बस एक दिक्कत आएगा, वो मैं दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो गाइस ये हमारा हाई पिक्सल वाला सर्वर का हेड रिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड है, इसमें मैंने सेम टू सेम वही प्लगइन वगैरह सेटअप कर रखा है। तो इसमें अगर मैं एनिमी को ऐसे मारता हूँ तो इसमें भी एनिमी मरेगा और उसका हेड मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और अगर उसका हेड में लगाऊंगा तो वो रिवाइव हो जाएगा। और तो और इसमें भी हम लोग रेसिपी के द्वारा हेड बना के भी रिवाइव कर सकते हैं, सब सेम टू सेम है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि समझ लो कि मैं आपको अब इसे करके दिखाता हूँ पॉकेट से, ठीक। समझ लो कि मैं इसको तलवार दे दिया, समझ लो कि ये बंदा मेरे को मारेगा, ठीक। तो ये समझ लो ये आया, ये बूम बम मेरे को धोना, एक मिनट ओके मैं क्रिएटिव में सॉरी, ये सर्वाइवर हो गया। और समझ लो ये मेरे को ऐसे मारता है, ठीक। और जैसे ही मैं मर जाऊंगा तो ये देखो मेरा हेड उसके पास चला गया, ओके। और मैं स्पेक्टेटर मोड में आ चुका हूँ, ओके। मैं स्पेक्टेटर मोड में हूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता। तो बंदे चीटिंग ये कर सकते हैं हाई पिक्सल सर्वर में कि जब वो स्पेक्टेटर मोड में चल जाएगा उसके बाद वो अगर स्लैश लॉबी लिखेंगे तो लॉबी में तो वो जिंदा हो जाएंगे, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, लॉबी में वो नॉर्मल है, वो सर्वाइवर वगैरह जो खेलना चाहे वो खेल भी सकते हैं। बट अगर वो दोबारा जब हेड रिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो उनको स्पेक्टेटर में ही होना चाहिए। बट हम अगर इससे दोबारा हेड रिस्ट्रिक्ट को जब ज्वाइन करते हैं तो हम दोबारा जिंदा हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूँ। अगर मेरे पास खाना है तो मैं थोड़ा यहाँ पे लूट कर ले, लूट समझ लो यहाँ पे मेरे पास है और मैं यहाँ पे समझ लो खाना खा लेता हूँ इस वर्ल्ड में आगे दोबारा, तो मेरा हेल्थ भी दोबारा से फुल हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मेरा हेल्थ भी धीरे धीरे दोबारा से फुल हो रहा है, ठीक। तो आप जब हेल्थ को दोबारा से फुल कर लोगे और इसको मारोगे तब दोबारा वो मर चुके हो, उसके बाद आपका हेड भी है, पर आप दोबारा भी उसको मार सकते हो और दोबारा आप उसको मार के उसका हेड ले सकते हो। ये क्या सिस्टम है? तो ये चीटिंग हो जाएगा। जैसे कि मतलब देखो मैं वहां पे हूँ और मैं पॉकेट से उसका हेड यहाँ पे लगाता हूँ तो मैं वहाँ टीपी हो जाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे टीपी हो गया जबकि मैं ऑलरेडी जिंदा था इस वर्ल्ड में। तो ये अगर आप हाई पिक्सल में बनाते हो तो ये आपको एक दिक्कत आएगा कि आप मर के भी वापस आ सकते हो, स्पेक्टेटर मोड से नॉर्मल प्लेयर होके दोबारा मर सकते हो, तो हेड रिस्ट्रिक्ट का कोई मजा ही नहीं होगा। तो इसलिए हाई पिक्सल में ये हेड रिस्ट्रिक्ट काम नहीं करेगा। बट अगर आप नॉर्मल सर्वर में अवेकन एसएमपी टाइप का हेड रिस्ट्रिक्ट एसएमपी बनाना चाहते हो तो आप इजीली बना सकते हो। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आप इजीली अपने नॉर्मल एसएमपी को अवेकन एसएमपी टाइप का हेड रिस्ट्रिक्ट एसएमपी बना सकते हो, बट हाई पिक्सल में थोड़ा दिक्कत आएगा, उसको अगर आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो बट मजा नहीं आएगा, तो हाई पिक्सल में मत ही बनाओ। बाकी अगर आप अलग बनाना चाहो तो आराम से बनाओ एंड एंजॉय करो। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।